हेलो फ्रेंड्स, आई एम हीना। वेलकम बैक टू माय चैनल नील हीना ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप आपकी आई पर नकली आई फॉल्सेस कैसे अप्लाई कर सकते हो। नकली आई फॉल्सेस क्या होती है, आप देखो ये ऐसी आती है और आपको इसे आपकी मस्कारा जब आप अप्लाई करते हो और आपकी जो आई लैस है उसके ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे आई फॉल्सेस आपको घर पे लाने हैं। आपके पास है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो आप लोकल मार्केट से ला देना। और ये ऐसे आते हैं, और दूसरे मेरे पास है, ये थोड़े थिक है और ये थोड़े थिन है। ये मैक के हैं, आप देखो ये मैक के हैं। ये कलर आईलेस है और ये है हनी स्वीट के आईलेस। तो इसे आपको कैसे अप्लाई करना है, इस पर इन्होंने ये चिपका के दिए हुए हैं। तो आपको पहले इससे आपको रिमूव कर लेना है, और आप चाहे तो इसे ऐसे ही चिपका सकते हो, लेकिन इसके साथ ये ग्लू आता है और इसके साथ नहीं आता तो आपको अलग से लेना पड़ता है। मैंने यहाँ पर अलग से लिया है। तो आपको क्या करना है, इस ग्लू को आपको ये जो लाइन है इसके ऊपर अप्लाई करना है, जिससे ये आपकी आई फॉल्सेस आपके आई पर अप्लाई करोगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसके साथ ये स्टिक दी हुई है, तो आपको इसके साथ जो ये लाइन दी हुई है जिससे ये सब कनेक्टेड है उसके ऊपर आपको ग्लू अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर लूंगी। आपको एकदम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। अब आपको इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये जब ग्लू सूखेगा तभी ये हमारी आईलेस पर ऐसे चिपक जाएगा। तो इसे मैं थोड़ी देर रहने देती हूँ, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे आपको आपकी आई पर अप्लाई करना है, मतलब कि लगाना है। तो अब ये ग्लू सूख गया है, अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ना है। आप देखो ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना, इसे ऐसे पकड़ना है, और बाद में आपको आपकी आई को थोड़ा ऐसे मिरर में देख के आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिरर को थोड़ा नीचे रखना है, और बाद में इसे लेकर आपको पहले सेंटर में चिपकाना है, मतलब कि बीच में। तो आपको ऐसे ऐसे सेंटर में चिपकाना है, और बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसे आपके को मैं दिखाती हूँ, आपको ऐसे प्रेस करके ऐसे चिपका देना है। तो ये देखो मैंने चिपकाया है। आपको पहले इसे सेंटर में चिपका लेना है, और बाद में ही इसे आपको यहाँ पर आगे और पीछे अप्लाई करना है। आपको ऐसे ऐसे इसको प्रेस कर लेना है। तो ये मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप देखो इसमें और इसमें कितना फर्क दिख रहा है, ये एकदम नकली है हमारा और ये असली है। तो ये मैंने चिपका लिया है, अब हम दूसरी साइड चिपकाएंगे। तो दूसरी साइड भी आपको ऐसा ही करना है, इसमें ये चिपके हुए दिए हुए है क्योंकि इसमें ग्लू लगाया हुआ है, तो आपको इसमें भी ग्लू लगा लेना है। तो मैं ग्लू लगा देती हूँ, और बाद में थोड़ी देर बाद ही आपको इसे अप्लाई करना है। थोड़ी देर आपको ग्लू को सूखने देना है, जिससे ये अच्छे से हमारी लैस पर चिपक जाएगी। तो
तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगा लिया है, अब मैं इसे थोड़ी देर रहने दूंगी। तो यहाँ पर ग्लू सूख चुका है, अब आपको इस साइड जैसे किया है वैसे ही इस साइड करना है, मतलब कि आपको पहले सेंटर में अप्लाई करना है, आपको सेंटर में से इसे ऐसे पकड़ना है, आप देखो। और बाद में इसका टूल भी आता है, आपको टूल से ये आपको लगाना अच्छा लगे तो आप टूल अप्लाई कर सॉरी टूल ले सकते हो, और टूल नहीं लेना है तो आप आपके हैंड से भी इसे लगा सकते हो। तो अब मैं इसे आप देख रहे हो पहले सेंटर में लगाऊंगी, तो मैंने पहले सेंटर में लगाया, बाद में मैं इसे इस साइड लगा लूंगी। और बाद में आपको अंदर की साड़ी से लगाना, तो ये भी हमारा अप्लाई हो चुका है। आपको बिल्कुल भी ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, और ज्यादा जल्दी जल्दी मत करना। आपको पहले सेंटर में से इसे ऐसे प्रेस करके लगा लेना है, और बाद में पीछे, और बाद में यहाँ पर आगे। ये एकदम इजी लगेगा आपको जब इसे अप्लाई करोगे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो ये मैंने आईलैशेस अप्लाई कर लिए, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारी जो असली आईलैश है और नकली है वो मिक्स हो जाए, एकदम अलग अलग ना दिखे। तो पहले मैं मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है हमारा मस्कारा, और आपको आपकी जो असली और नकली आईलैश है उसे ऐसे मिक्स कर लेना। तो ये देखो एकदम मिक्स हो चुकी है मेरी आईलैशेस, जो असली है वो बहुत घनी नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखो ये एकदम अच्छे से अप्लाई, आई थिंक यहाँ से थोड़ा निकल गया है, मैं इसे थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ। हाँ तो ये एकदम कंप्लीट हो चुका है, आप देखो। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, यही सब ट्रिक मतलब जो मैंने बताया वो करके आप आई फॉल्सेस लगाओगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाय, टेक केयर।